इधर राधिका खेड़ा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कल पिछले कई सालों के तापमान का रिकॉर्ड टूटने वाला है, कल का तापमान होगा 400 पार। मतगणना से पहले ईवीएम को लेकर फिर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 295 का जो दावा किया है वो सही है, अगर बीजेपी 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं ईवीएम का वोट है। अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। एमपी में मतगणना को लेकर चुनाव आयोग के साथ बीजेपी कांग्रेस ने भी तैयारी कर ली है। दोनों ही पार्टियां काउंटिंग पर अपनी पैनी नजर रखेंगी। बीजेपी ने अभी से ही जश्न की तैयारी की है, इसके लिए राजधानी भोपाल के पार्टी मुख्यालय से लेकर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर तैयारी की गई है। भोपाल बीजेपी कार्यालय में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस की तैयारी पर कहा कि विपक्ष किसी भी तरह का भ्रम ना पाले, कांग्रेस का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। प्रचंड विजय का उत्सव भी, जश्न भी प्रचंड होगा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यालयों में, प्रदेश कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, संगठन महामंत्री जी, इन सभी के साथ भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि विकसित भारत की संकल्प की ये जो जीत है वो जश्न के रूप में जल्दी परिवर्तित हो और ये प्रचंड विजय स्पष्ट तौर पर दिखने लगे। देखिए, माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार पीसीसी में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जिसमें लीगल एडवाइजर और जितने भी विशेषज्ञ हैं सबको यहाँ एकत्रित रहेंगे और माननीय कमलनाथ जी भी यहाँ उपस्थित रहेंगे और जितने भी देखने और समझने वाले लोग हैं निर्वाचन आयोग को वो सारे लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और पूरे प्रदेश की मतगणना पर नजर रखेंगे। एक एक काउंटिंग प्लेस जो जो जिला मुख्यालय पर है वहाँ भी हमारे लोग मौजूद रहेंगे जो निरंतर एक हर घटना दुर्घटना की सूचना देते रहेंगे और जहाँ भी गड़बड़ी होगी हमारे लोग चुनाव आयोग में जाकर के प्रायोरिटी के तौर पर उसकी शिकायत करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू होने में अभी कुछ घंटे का वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी ने अभी से ही जीत के जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। इंदौर में मध्य प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट मिठाई की दुकान पर पहुंचे, मिठाई का ऑर्डर दिया और कहा कि कांग्रेस सपना देख रही है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। 4 जून का बेसब्री से लोगों को इंतजार है और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में इस बार तैयारियां भी कुछ खास है क्योंकि इस बार बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी जीत इंदौर में होगी क्योंकि कांग्रेस चुनावी मैदान में थी नहीं और बड़ी जीत की तैयारी इंदौर में शुरू हो चुकी है। इंदौर के छावनी में एक मिठाई दुकान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट आपको तस्वीर नजर आएंगे। जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है और परिणाम आने के पहले ही एक दूसरे का मुंह मीठा कराया जा रहा है, तैयारी कर रहे हैं। ये पूरे देश में जश्न मन रहा है, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की फिर से तीसरी बार 400 सीट। आप भी मिठाई का स्वाद चखने आए हैं, कल इंदौरी भी चखेंगे, कार्यकर्ता चखेंगे, इसीलिए तो आए ऑर्डर देने। ये पूरे इंदौर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश में जश्न मनने वाला है क्योंकि फिर से तीसरी बार हमारे देश के गौरव तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री बनने वाले। सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी मोदी जी के नेतृत्व में तोड़ने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट और देश में अब की बार 400 पार, फिर से मोदी सरकार। बीजेपी जश्न की तैयारियां शुरू कर चुकी है और इस वक्त हम मिठाई के दुकान में मौजूद है और तमाम मिठाइयों की दुकान में इस वक्त आपको बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आएंगे। तो कल बड़े जश्न की तैयारी जो शुरू हुई है, कल बड़े जश्न की तैयारी देखने को मिलेगी क्योंकि बड़े जीत का दावा भी भारतीय जनता पार्टी इंदौर से कर रही है। ब्यूरो जर्नलिस्ट डगलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। वहीं ग्वालियर के एमएलजी कॉलेज में कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच काउंटिंग होगी। एमएलबी के 12 कमरों में जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम की गिनती होगी। मतगणना स्थल और आसपास की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1000 से ज्यादा पुलिस बल तैनात रहेंगे। कलेक्टर ने मतगणना स्थल का जायजा लिया और जानकारी दी।
जो काउंटिंग दल है इनको कल अपने अपने विधानसभा रैंडमाइजेशन के माध्यम से मिल चुके हैं, इनको अपने अलॉट हो चुके हैं। इसके बाद ही आज इनकी एक लास्ट राउंड ऑफ ट्रेनिंग हम लोग आज ये ऑर्गेनाइज करेंगे। कर्मचारियों की संख्या यदि आप देखें तो सब मिला करके लगभग 750 लोग काउंटिंग की पूरी प्रोसेस में लगे। ग्वालियर में भी लोकसभा चुनाव में मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ग्वालियर के MLB कॉलेज में ये स्ट्रॉन्ग रूम जहां से EVM लाई जाएगी और EVM यहां से लाकर सीधे इन कक्षों में पहुंचेगी जहां ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के 12 कमरे बनाए गए हैं, यहां मतगणना होगी और इस मतगणना को लेकर तैयारियां अंतिम दौर में पहुँच चुकी है। इस हॉल में आप देख सकते हैं ये एक विधानसभा क्षेत्र के लिए इस हॉल के साथ ही लगा दूसरा हॉल, दो दो हॉल है। तो कुल मिलाकर ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की जो गिनती होगी उस गिनती के लिए यहाँ कुल 12 कक्ष हैं। इन 12 कक्षों में आप देख सकते हैं कि किसी कक्ष में 10 से लेकर 12-14 तक टेबलें लगाई गई हैं और उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि इस एरिए के बाहर जो काउंटिंग एजेंट्स रहेंगे विभिन्न पार्टियों के वो मौजूद रहेंगे और सारे अधिकारी और कर्मचारियों की टीम यहाँ पूरी तरह तैनात है और मतगणना को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। यहाँ EVM खोली जाएगी और उसके बाद EVM की गणना होगी। तो कुल मिलाकर इस मतगणना को लेकर प्रशासन ने पूरे इंतज़ाम किए, 1000 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ तैनात रहेंगे। इसके अलावा अगर देखें तो लगभग 800 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी ग्वालियर के इस स्ट्रॉन्ग रूम मतगणना स्थल रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में तैनात रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो मतगणना है उसकी तैयारियां पूरी है और उसके साथ जब नतीजे आएंगे तो ये तय करेंगे कि आखिरकार ग्वालियर में लोकसभा सीट के जीत का सेहरा किसके सर बनता है। सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। और यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।